हेलो दोस्तों, आज जो आप गल कर रहे हैं, जो अपना सिक्स क्लास का बेसलाइन का मैथ का टेस्ट होया, वो सोल्यूशन की गल कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस आते होने तो थोड़ा अच्छा स्कोर होया होना है। एक आप आंसर की चेक करें कि सो दैट तो कन्फर्मेशन हो जाए कि थोड़े सारे क्वेश्चन सही है ना। नहीं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, कहते खाली स्थान में उचित संख्या भरो, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अपन एक नंबर दिता है 6554, तो देखो 6000 ए हजार का अंक आ गया, 1000 प्लेस आ गया, इतने किन्ना आ जाना है 500 आ जाना है, क्योंकि असल दे विच अगर आप देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म है। यूनिट प्लेस इकाई, टेंस प्लेस दहाई, सैकड़ा, हंड्रड्स, ए थाउजेंड्स, तो इतने अपने को आ की हो गया, मिस हो गया। सैकेंड अपने को सबट्रैक्शन है, एक दे विचों 8 माइनस नहीं होता, इहदे कोल इहने कैरी लिया, इत्थे 5 है, इत्थे 11 है, तो 11 चों 8 गए 3, हुण 5 चों 7 माइनस नहीं होता, इहने एक उधार इत्थों लिया, इत्थे 15 हो गया, 15 चों 7 गए 8, 4 चों 2 गए 2, आवर आंसर इज 283। नैक्सट सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, पहला 8 की 8, 7 56, 6 5, 32 ते 5 37, 3 24 ते 3 27। जीरो हम 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे, 5 दी पहला 7 नाल, 7 5 35, 3 4 नाल 5 का 20 ते 3 23, 2 5 दी 15 ते 2 17, 10 6 7 5 12 1 8 3 11 1 3 ते 17 20, तो अपना आंसर आंदा 126, जो इहदी की है लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सॉल्व करना है 8 नूं, 8 एकम 8, इत्थे 0, चार नहीं जाता, 8 दे 0 दे पाड़े ते गया क्योंकि ये तो नहीं वंडिया जाता, 8 नीचे 8 छीका 48, तो सॉल्व किया 106 आ गया। तो आप चेक करते हैं 106 जो अपना आंसर सी वो अपने को पहली ऑप्शन पई सी। नैक्सट है, कहते एक किसान को 714 किलो अनाज है, अ फार्मर हैज 740 के जी ऑफ ग्रेन, जेकर उस 17 बोरिया बराबर भरना चाहे, इफ He has to fill the grain in 7 bags equally. Then how much grain will be filled? तो सीधे जी गल है, आप इहदे नाल की कर देंगे, वंड कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। 17 चौके 68, 68 3 4, 17 दूनी 34, तो इहदा मतलब किन्नियां बोरियां अपने कोल बनणगियां, हरेक 42, क्योंकि 17 बोरियां भरनी है, तो इहदा मतलब हरेक दे विच 42 42 किलो दा अपने कोल की आना है अनाज आ जाएगा। नैक्सट है जी, कहते एक वड्डे डब्बे 67 अंब हैं, देर आर 67 मैंगोज इन ए बॉक्स, 33 डब्बे कुल किन्ने होंगे, एक दे 67 ने 33 दे आप की करांगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला 3 दे 1 0 2, फिर 1 0 2, ये अपने को किन्ना ऑप्शन आ गई 211 दी। नैक्सट है डेसीमल फॉर्म चेंज करना है, दशमलव रूप चेंज करना है, 1 0 है पिछो 1 अंक छड़ दो, तो अपने को कि आंसर आ गया 1.7, ये लास्ट ऑप्शन बन जानी है। हम डेसीमल जोड़ करना है, तो एक सिंपल इंपॉर्टेंट गल दसदा, जो जोड़िया घटा करना होता एक छोटी डॉट लाइन बना दो, छोटी डॉट लाइन, हम देखो चेक करिए डॉट डेसीमल हो, तो पहला है 23.83.8, इतने हो गया 8.25 प्लस करो 0, 5 8 ते 2 10, 1 4 ते 8 12, 1 2 ते 1 3, सॉल्व करांगे अपने को ले आ गया 32.05। नेक्स्ट, हेठां लिखिया विचों केड़ा 24 दे गुणनखंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 24, 24 क्योंकि ये एक रूल है, हरेक संख्या अपने आप दा गुणनखंड होंदी है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। खाली स्थान भरो, आपां नूं ग्राम देता, किलोग्राम च बदलना है तो आपां नूं हजार नाल वंड करांगे, रीजन एक किलोग्राम च हजार ग्राम होंगे, तीन जीरो ने तो पिछो तीन अंक छट के दशमलव लगा देंगे, इतने लग जाना है, तो अपना आंसर कितना आ गया 9.076 किलोग्राम। नैक्सट, विकास ने एक किलो अंब 34.40 रुपए में खरीदे, विकास हैज बोट मैंगोज एट दिस रेट, उसने दुकानदार को 50 रुपए देते, 50 रुपीज ही हैज गिवन टू द शॉपकीपर, तो उन्होंने किन्ने वापिस करूंगा, आप माइनस करांगे, देखो रे दशमलव आ गया, तो सब तो इंपॉर्टेंट, इतने दशमलव नहीं है तो आप दशमलव ला के जीरो जीरो,
ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਚਾਰ, ਇਹ 10 ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ 9, ਉਹਨੇ 10, 10 ਚੋਂ 4 ਗਏ 6, 9 ਚੋਂ 4 ਗਏ 5, 4 ਚੋਂ 3 ਗਏ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਪਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਨੇ ਜਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਲਈ 4480 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਡੱਬੇ ਲਈ 52 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ। ਅਨਿਲ ਗੇਵ ਦਿਸ ਮਚ ਫੋਰ ਅ ਜਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮਚ ਫੋਰ ਅ ਪੈਕ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, 8 5 13 1 5 3 2 7 4 5 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ? 97.3 97.3। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿੰਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ, ਟੋਟਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਨੀਚੇ 9 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਡਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 2 3 4 5 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, 100 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, 9 5 45, 9 5 45 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? 55.55%। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਪਰਿਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਹ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 8 ਹਨ, ਆਹ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 3। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 8 ਤੇ 3 11 ਤੇ 11 22, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 22 ਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 3/13 ਭਾਗ ਪੜਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਰੋਜ 3/13 ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟੋਰੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ 5/13 ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ 5/13, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 13 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ, ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ 13 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਤੇ? 13 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਹਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8/13 ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 6th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।